देख रहे हैं एएम न्यूज 24 और दिन भर की तमाम ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। दर्शकों, अब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से कितनी जानें जा चुकी है और अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, हमने भी अपने न्यूज टीम के सेहत का ख्याल रखते हुए इस महामारी के थमने तक अब घर से ही काम करने का निर्णय लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और अब परेशान न हो, एएम न्यूज 24 दिन दुनिया की हर खबर बिना रुके आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आइए अब बात करें आज की सुर्खियों की। कोरोना संक्रमण ने राजनीतिक गलियारे में भी मचाई हलचल। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता लक्ष्मण गिलुवा की हुई मौत, तो वहीं पोटका के पूर्व विधायक सनातन मांझी का हुआ निधन। सरकार के जारी नए गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने साक्षी की खुली दुकानों को कराया बंद, दी चेतावनी। और गुरुवार शाम अचानक से मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ हुई बर्फबारी। पूरे झारखंड में शोक की लहर है, जहां कोरोना के चलते भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता लक्ष्मण गिलुवा की मौत हो गई है। इस घटना से झारखंड में भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना की चपेट में आने से कुछ दिन पहले ही लक्ष्मण गिलुवा को जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान अचानक गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही भाजपा पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचे और उनके परिवार से मिले। हालांकि आज उनके गांव में कोविड नियम का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मण गिलुवा की मौत की सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उनका पूरा जीवन पार्टी संगठन के साथ समाज सेवा में बिता। उनकी मौत के बाद पार्टी के साथ साथ समाज को भी एक बड़ी क्षति हुई है। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके परिवार के साथ पार्टी के लोग खड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लक्ष्मण गिलुवा की मौत की सूचना को दुखद बताया। लक्ष्मण गिलुवा की निधन की खबर से मन व्यथित है। लक्ष्मण गिलुवा जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। लक्ष्मण गिलुवा जी का संपूर्ण जीवन प्रदेश, समाज और संगठन के प्रति समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आत्मा भगवान शांति दे, साथ ही उनके परिवार जन को इतनी भगवान शक्ति दे इससे दुखद घटना को सह सके। ओम शांति। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आदरणीय लक्ष्मण गिलुवा जी का अभी बीते रात सवेरे 2:50 में स्वर्गवास हो गया। वो कई दिनों से कोविड-19 पॉजिटिव के कारण टाटा मोटर अस्पताल में इलाजरत थे। हम लोग सब मर्माहत हैं। लक्ष्मण गिलुवा जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिम सिंहभूम जिले के संगठन को सुदृढ़ करने में उनकी महती भूमिका रही है। विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भी कई प्रकार के संगठन की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। वो सरल सहज स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे, निश्चल व्यक्ति थे। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को अपरिणीय क्षति हुआ है। विशेषकर कोल्हान के क्षेत्र में एक कद्दावर नेता का असामयिक चला जाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कोल्हान के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना असंभव होगा। हम दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और इस शोक की घड़ी में हम उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। वहीं दूसरी ओर पोटका के पूर्व विधायक सनातन मांझी का आज निधन हो गया। वहीं सूचना मिलते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि सनातन मांझी का इलाज कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा था और कोरोना पॉजिटिव भी वो थे। अचानक गुरुवार सुबह ही सनातन मांझी का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि पोटका विधानसभा से ये दो बार निर्दलीय विधायक रहे और वर्तमान में झामुमो पार्टी से भी जुड़े थे।
और इधर जंगल से साल पत्ता लेकर लौट रही ट्रैक्टर पलटने से 10 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि जागिन के लिए जंगल से साल का पत्ता लेकर लौट रहे ट्रैक्टर के पलटने से 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को चिकित्सकों ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को आदिवासी हो समाज के जागिन समारोह में लगने वाले जंगली पत्ता लाने के लिए एक ट्रैक्टर से युवकों की टोली खुटपानी प्रखंड के लुपुंग बेड़ा जंगल गई थी, जहां जंगल से पत्ता लाने के क्रम में चक्रधरपुर चायबासा मुख्य सड़क खरसवा मोड़ के सामने पत्ते से लदा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में सवार 15 से 10 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया। बताया जाता है कि चक्रधरपुर प्रखंड के इटोर पंचायत अंतर्गत हाथीबारी गांव में बाबूलाल बोदरा नामक व्यक्ति के घर में जागरण समारोह था। सरकार के आदेश के बाद आज शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी दुकानें 2 बजे तक बंद हो गईं। कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं लोग इस आदेश का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। बिस्टोपुर, साक्ची, जुगसलाई, मानगो आदि क्षेत्र के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा ताकि कोरोना जैसे महामारी को रोका जा सके और उसका चैन को तोड़ा जा सके। वहीं आज 3 बजने के बाद प्रशासन ने साक्ची बाजार की जितनी भी दुकानें खुली थी सभी को बंद कराया और ठेले में जितने भी फल बेचने वाले थे उन्हें भी प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 29 तारीख से जिला प्रशासन द्वारा नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए 29 तारीख से 6 तारीख तक सभी दुकानें 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। उसके बाद ही सब दुकानें बंद करने के आदेश झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत संक्रमित हो गई थी और फिलहाल दोनों घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। दिव्य ज्योति महिला समिति की ओर से गांधी आश्रम में बुजुर्ग लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। बता दें कि दिव्य ज्योति महिला समिति के अध्यक्ष बिंदु सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं आज इनके द्वारा बाराद्वारी गांधी आश्रम पहुंचकर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया, साथ ही साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। आज हम लोग गांधी आश्रम में आए हैं। हम दिव्य ज्योति महिला समिति से बिंदु सिंह बोल रहे हैं। आज हमारे महिलाओं के बीच में हम सब आए हैं गांधी आश्रम में, ताकि कोरोना काल में बहुत आजकल अभी हो रहा है, तो हम लोग आए हैं मास्क वितरण करने के लिए, ताकि मास्क पहन करके सब कोई रहे और इस बीमारी से बचे, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, अपने आप सावधानी में ही लोग रहे। इसके लिए बड़े बुजुर्ग लोग के बीच में गांधी आश्रम में हम लोग मास्क का वितरण किए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बुधवार को लिए गए निर्णय से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत जेल में बंद सैकड़ों लोगों को राहत मिली है। अब इन लोगों को बेल बॉन्ड, मुचकले की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने में फंसा पेच दूर हो गया है। अब इन कागजी कार्रवाई के लिए वकील अदालत में जा सकेंगे। और जहाँ एक तरफ शहरवासी तपती गर्मी और दूसरी तरफ कोरोना के डर से सहमे हुए थे, ऐसे में गुरुवार शाम अचानक से मौसम के बदलते मिजाज ने इनके चेहरे पर खुशियां ला दी है। और अब चलते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण ने राजनीतिक गलियारे में भी मचाई हलचल। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता लक्ष्मण गिलुवा की हुई मौत, तो वहीं पोटका के पूर्व विधायक सनातन मांझी का हुआ निधन। सरकार के जारी नए गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने साक्षी की खुली दुकानों को कराया बंद, दी चेतावनी। और गुरुवार शाम अचानक से मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ हुई बर्फबारी। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 खबरों की।